अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। तो दोस्तों, इस समय की पहले बड़ी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। यूपी डीएलएड रजिस्ट्रेशन फीस और जो आगे की प्रक्रिया होने वाली है उसमें अभी क्या क्या बचा है। अब दोस्तों, आपको स्टेट रैंक को डाउनलोड करना है, चॉइस फिलिंग करना है, अलॉटमेंट रिजल्ट, सारी अपडेट्स हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। इस वीडियो को आप 4 दिसंबर 2024 रात को देख रहे होंगे या 5 दिसंबर 2024 की सुबह को देख रहे होंगे, ठीक है। पहले कुछ बच्चों के कमेंट्स हमने इस वीडियो में पिक किया है, ज़्यादा कमेंट्स नहीं देखेंगे, ठीक है। अगर सर नंबर गलत फिल हो गया तो क्या फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा? देखिए, ऑनलाइन माध्यम से आपका कोई फॉर्म रिजेक्ट नहीं किया जाता, लेकिन जब आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए किसी भी डीएलएड के प्राइवेट या सरकारी कॉलेज में जाते हैं तो वहां पर आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। होता क्या है, आपको बताते हैं। जैसे दोस्तों, मान लेते यूपी बोर्ड से या हाई स्कूल, जो भी बोर्ड हो, मान लीजिए हाई स्कूल में आपके 600 नंबर में से बन रहे थे 490 नंबर और गलती से आपने डाल दिया है 491 नंबर। एक नंबर ज्यादा डालने का मतलब है कि आपने मेरिट को प्रभावित करने की कोशिश की है, जो कि गलती एक्सेप्ट नहीं की जाती। ये बहुत बड़ी गलती में से एक गलती मान ली जाती है, ठीक है। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है, मान लेते आपने पाया था 490 नंबर और गलती से आपने 480 डाल दिया। अगर आपने नंबर कम डाला है, ठीक है, तो ये गलती एक बार मान ली जाती है, चलिए ठीक है, आपसे गलती हो गई, ठीक है, क्योंकि आप इसमें किसी भी प्रकार की कोई मेरिट प्रभावित नहीं कर रहे हैं और किसी भी बच्चे का आप नुकसान नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर आपने नंबर गलत फिल किया है तो आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज या सरकारी कॉलेज में काउंसलिंग से पहले एक बार संपर्क कर लीजिएगा, उसके बाद आप नेक्स्ट प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना है। नहीं तो 5000 रुपये आप चॉइस फिलिंग के देंगे और 5000 रुपये कॉलेज अलॉटमेंट के, बाद में मान लीजिए कॉलेज वाले एडमिशन लेने से मना कर दिए तो आपके 10000 रुपये डूब जाएंगे, ठीक। नहीं होगा सर तो साल बेकार हो जाएगा, सर एडमिशन हो जाएगा ना? जी हाँ, एडमिशन होगा, लेकिन लेट हो रहा, दिक्कत इस बात की है। ये दिक्कत नहीं कि आपका एडमिशन होगा कि नहीं, वो तो कन्फर्म है आपका एडमिशन होगा। ओबीसी 236 है, जी हाँ, आराम से आपको कॉलेज मिलेगा डायट का। सर कब तक होगा, इंतजार करना है। एक और एक अच्छा सवाल था इस वीडियो का, लास्ट सवाल होगा कमेंट का, कि सर डीएलएड गवर्नमेंट या प्राइवेट कौन सा कॉलेज बेस्ट होता है, कोई बेनिफिट से गवर्नमेंट से करने में? आपको गवर्नमेंट कॉलेज से करने में ये बेनिफिट मिलता है कि आपको 1 साल का 10,200 देना पड़ेगा, प्राइवेट में 1 साल का 41,000 देना पड़ेगा, ठीक है। अगर किस्मत रही और प्राइवेट कॉलेज में आपको स्कॉलरशिप आ गई, तब तो भैया बल्ले बल्ले है, क्लास भी आपने नहीं की, अपने हिसाब से पढ़ाई की, उसके बाद ठीक है पैसा भी आ गया। बस यही अंतर है, फीस का अंतर होता है और आपको कोई अंतर देखने को नहीं मिलेगा सरकारी प्राइवेट में। जब भी कोई शिक्षक भर्ती आएगी, देखिए अभी आप जब डीएलएड में एडमिशन लेने जा रहे हैं, आपसे क्या पूछा जाता है, ग्रेजुएशन बताइए, आपने कहाँ से किया है, ठीक है, कितना नंबर पाए, बात खत्म। अभी आपने हाई स्कूल में परसेंटेज डाला 12वीं ग्रेड, देखिए हम आपको बताते हैं, यहाँ पर देखिए आप पहले, ये दोस्तों जब आपने डीएलएड का फॉर्म फिल किया, ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों जब आप हाई स्कूल फिल करते हैं 10th, तो आपने डाले यूपी बोर्ड। यहाँ ये तो नहीं पूछा जा रहा कि भैया आपने यूपी बोर्ड में कौन से स्कूल से पढ़ा, क्या बहुत नामी स्कूल था कोई, कि बहुत बदनाम स्कूल है, कहाँ कोई जान पाएगा ना, कोई जानेगा यहाँ पर, ठीक है। आपको यहाँ परसेंटेज से मतलब बात खत्म होती है, ठीक है, तो ये बात समझिए, थोड़ा समझदार बनिए, ठीक है। नाम वाम के चक्कर में ज़्यादा पैसा नहीं लगाना, क्योंकि जब शिक्षक भर्ती कल आएगी तो आपसे वहाँ पूछा जाएगा आपने डीएलएड किया है कि नहीं, आपने किया है तो कितने परसेंटेज पाए, बात खत्म, वहाँ ये पूछा जाएगा। ये नहीं आप बताएंगे भैया हमने डायट इस कॉलेज से कर रखा है, डायट वहाँ से, डायट लखनऊ से किया है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, कोई उसकी मतलब आपको तारीफ नहीं मिलने वाली। वैकेंसी आएगी, सुपर टेट का एग्जाम देंगे, अच्छे नंबर पाएंगे तो नौकरी मिलेगी, नंबर कम होंगे नौकरी आपको नहीं मिल पाएगी, ठीक है, क्लियर हो रहा है सारी बातें। क्या डेट को एक्सटेंड किया जा सकता है, तो ये चांसेस नो और यस दोनों में, नो इसलिए कह रहे हैं जब तक आपकी स्टेट रैंक नहीं आती, ठीक है, मतलब स्टेट रैंक आ गई तब तो नो तो 100% हो जाएगा, स्टेट रैंक नहीं आती तब तक एक चांस बना है। वैसे एक्सटेंड हो जाए तो काफ़ी ज़्यादा बच्चों को फायदा हो जाएगा, बहुत बच्चे इंतजार कर रहे हैं बेसब्री से कि सर डेट एक्सटेंड हो जाए, ठीक है, मतलब भगवान से नहीं होता है, कृपा मांगी जा रही, भगवान जी कैसे भी एक बार डेट एक्सटेंड करा दीजिए, मतलब इतना मौका आपको पीएनपी देती है, उसके बाद आप लोग गलती करते हैं और अभी डेट एक्सटेंड के चक्कर में आप लोग पढ़ें। सोचिए डीएलएड करेक्शन की डेट, क्या किसी भी प्रकार का करेक्शन होगा तो अब इसके चांसेस ना के बराबर है, ठीक है, ये तो एकदम क्लियर है कि भैया पीएनपी आपको मौका नहीं देती करेक्शन करने का। फॉर्म में गलती हो गई है, क्या सुधारा जा सकता है, इसका भी आंसर होगा नहीं। फॉर्म भरते समय आपने गलती की है तो फिर पछतावा आपको ही होगा। डायरेक्ट एडमिशन ये आफ्टर काउंसलिंग, जब सारी काउंसलिंग की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी, जो पहले एक नॉर्मल रूल होता है, ठीक है, उस हिसाब से सारे कॉलेज को भरा जाता है। मान लीजिए कुछ सीटें खाली रह जाती है, आपको समझ में आता हो ना, मैनेजमेंट की सीट,
देखिए, एक होता है माइनॉरिटी के कॉलेज। इस कॉलेज में आपको फायदा होगा, मान लीजिए आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, बिना रजिस्ट्रेशन के आपको एडमिशन कैसे मिलेगा? तो माइनॉरिटीज के कुछ कॉलेज होते हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं। लेकिन आप सोचिए, नॉर्मल कॉलेज में आप किसी में भी जाकर कहें, सर हमने फॉर्म नहीं भरा, एक काम करिए आप हमसे 10,000 ज्यादा ले लीजिए, एडमिशन दे दीजिए। आप 1 लाख भी ज्यादा देंगे ना, तो भी वो आपका एडमिशन नहीं ले सकते अपने कॉलेज से। हाँ, हो सकता है उनके किसी कॉलेज से संपर्क हो, उस कॉलेज से आपका एडमिशन करा दे। ठीक है, आप क्लास मत करिए, आपको सीधे एडमिट कार्ड देंगे, आप जाके एग्जाम दे दीजिएगा, बात खत्म। ठीक है, आपको क्या करना रहता है? डीएलएड में टोटल 4 सेमेस्टर होता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और चारों सेमेस्टर का जो आपका सेंटर जाता हो किसी गवर्नमेंट कॉलेज में ही जाएगा, हाई स्कूल इंटर के। ठीक है, तो वहां पर आप पेपर देने जाते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपका पेपर एकदम कॉलेज आउटर में, जहां से आप डीएलएड कर, एकदम आउटर में है, बहुत दूर, जिले के कोई दूसरे कोने में, लेकिन सभी बच्चों का जो सेंटर जाता है वो भैया एकदम सिटी के बीचों बीच जाएगा, क्योंकि मेन सिटी में तो सरकारी कॉलेज होते हैं। ठीक है, आपका जो सेंटर बनाया जाता है वो मेन सिटी में बनाया जाता है, तो शिक्षक बनने के लिए आपको डीएलएड करना ही पड़ेगा, चाहे 1 से 5 के आप टीचर बनिए, चाहे 6 से 8। बीएड करके भी आपको फायदा मिलता है, ऐसा नहीं कि बीएड करने से आपका कोई नुकसान होगा, लेकिन बीएड करने से 1 से 5 की भर्ती में आप सम्मिलित नहीं हो पाते, और जो कि बड़ी भर्ती है मैक्सिमम टाइम 1 से 5 में आती है, इसलिए बच्चों का जो रुझान रहता है वो डीएलएड की तरफ थोड़ा सा ज्यादा रहता है बीएड के कंपेयर में। तो आपके मन में एक सवाल होगा कि सर हमने डीएलएड तो करके पछता रहे हैं, या करने के लिए सोचे तो पछता रहे हैं, क्योंकि अभी तक एडमिशन नहीं हुआ, और ये मान के चलिएगा कि अब आप दिसंबर में तो क्लास नहीं कर पाएंगे, आपकी जो भी पहली क्लास स्टार्ट होगी वो 2025 से ही हो पाएगी डीएलएड की। अब पीएनपी कितना भी तेज काम क्यों ना कर ले, क्योंकि काउंसलिंग के लिए कुछ समय लगता ही लगता है। चलिए हम आपको दिखा देते कितना समय मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी। देखिए, पिछली बार जब काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हुई थी, देख सकते हैं 1 से लेकर 2,40,000 तक के बच्चों को मौका मिला, 18 सितंबर से मान लीजिए शुरू हुई और 30 सितंबर तक चली। ठीक है, और इनका जो रिजल्ट था फाइनल रूप से 6 अक्टूबर, 18 से 6, मतलब कितना हो गया, काफी ज्यादा दिन आपको मिल गया, 18 दिन मान के चलिए, 18 से 20 दिन, तो समय पर्याप्त मिलता है ना। तो इतना जब समय आपको मिल ही जाएगा तो खत्म हो जाएगा महीना, कितना भी तेज काम, हम कह रहे कल के कल डेट आ जाए तो भी नहीं हो पाएगा, तो अब सब्र करना ही पड़ेगा, कोई और विकल्प आपके पास बचा नहीं है। आप दोस्तों 12वीं वर्सेस ग्रेजुएशन का एक बार कोर्ट का फैसला आ जाए, ये पहले क्लियर हो कि कोर्ट किसके तरफ है, बच्चों की साइड है, मतलब 12वीं पास छात्रों को मौका देने की में है कि नहीं पक्ष में, या ग्रेजुएशन बेस पर ही आगे होगा। ठीक है, ये दूध का दूध पानी का पानी होगा। बाकी जो भी और अपडेट्स आएंगी डायरेक्ट कॉलेज को लेकर, डायरेक्ट एडमिशन को लेकर, सारी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। प्राइवेट कॉलेज में भी स्टेट रैंक के अंदर आपको सम्मिलित होना जरूरी है। आपकी रैंक जैसे 19,000 दिख रही है ना, 2,40,000 तक की आपकी रैंक दिखेगी तो आप कम से कम काउंसलिंग के माध्यम से एडमिशन के लिए पात्र होंगे। नहीं मिलती है तो एक और दिक्कत का सामना आपको करना पड़ेगा, आपको फिर डायरेक्ट एडमिशन ही मिल पाएगा, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। बाकी जो भी अपडेट्स आएगी, अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। सोशल मीडिया की तमाम अफवाहों से बचना है। ये देखिए दोस्तों, जब ऐसे रिजल्ट का एनालिसिस करेंगे और आपको कोई भी अलॉटमेंट डिटेल्स में कोई कॉलेज मिल जाएगा ना कि इंस्टीट्यूट अलॉट हो गया, तो आपको एक अलग ही खुशी मिलने वाली है, चाहे प्राइवेट कॉलेज का नाम डालिए चाहे सरकारी का। बहुत बार प्राइवेट कॉलेज में भी सॉरी कर कर आ जाता है मैसेज। ठीक है, चलिए, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आई होगी, और स्टेट रैंक और काउंसलिंग सब्र रखिए, व्हाट्सएप पर मैं, ठीक है, मैसेज करिए, अगर आपको फर्स्ट सेमेस्टर की वीडियोस चाहिए पढ़ने के लिए तो मैसेज कर सकते हैं। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।